नमस्कार, न्यूज एट फोर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। नोएडा की गालीबाज महिला गिरफ्तार हो गई है। एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने ये पुष्टि की है। और ये तस्वीर भी आप देखिए, एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद अब इस पर एक्शन भी हुआ है। नोएडा की गालीबाज महिला को गिरफ्तार कर दिया गया है और खुद एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है। ये वीडियो सामने आया था जिसमें महिला गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। बताया गया कि महिला शराब के नशे में थी। अब नोएडा की इस गालीबाज महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और खुद एडीसीपी अशोक द्विवेदी ने इसकी पुष्टि कर दी है। एबीपी गंगा की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। ये दो तस्वीरें देखिए किस तरह से अब गालीबाज महिला पुलिस की गिरफ्त में है और वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई। महिला ने गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां दी और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि गार्ड ने थोड़ी देरी कर दी थी दरवाजा खोलने में और इसी पर ही महिला ने अपना आपा खो दिया, भद्दे इशारे किए, गंदी गालियां दी और इस पर शिकायत मिलने पर अब ये कार्रवाई भी हो गई है। ये बड़ी खबर, एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद दबंगों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। बचाए गए छात्र की भी जमकर पिटाई की गई। जो छात्र बचाने आए थे उन्हें भी पीटा गया। पिटाई की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। अब परिवार के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे की ये पूरी घटना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दबंगों ने छात्र को पीटा और जो लोग इस छात्र को बचाने आए थे उसे भी बुरी तरह से पीटा गया। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हो गई हैं। ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे की ये पूरी घटना है और इस घटना के बाद अब पीड़ित के परिवार के लोग दहशत में हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं सहारनपुर की। यहाँ एक बेटी के सामने ही पिता की लाठी डंडों से पिटाई की गई। दुकान के अंदर ये मारपीट हुई, जहाँ मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद दुकान में घुसे दबंगों ने लाठी डंडों से युवक की जमकर पिटाई कर दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस बच्ची के सामने उसके पिता को बुरी तरह से ये लोग पीट रहे हैं। लाठी डंडों से जमकर पीटा गया, जहाँ बच्चा भी दहशत में है। आप सुन सकते हैं बच्चे की चीख पुकार भी, जहां अपने पिता को छोड़ने की वो गुहार लगा रही है। उससे डर और सदमे में ये बच्ची है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर ये मारपीट शुरू हुई, जिसमें दुकानदार को बुरी तरह से पीटा गया लाठी डंडों से। और ये सब तब हुआ जब उसकी बच्ची दुकान के अंदर की मौजूद थी। बच्ची रोती रही, उसे देखकर बच्ची सदमे में आ गई है, अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगा रही है। और अब खबर कानपुर से। कानपुर में दहेज के लिए नवविवाहित को और उसके भाइयों के साथ जमकर पीटा गया। मारपीट का वीडियो अब सामने आ चुका है, जहां ये मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के अकारू गांव का बताया जा रहा है। नवविवाहिता से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। पैसे नहीं देने पर महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। बाद में जब परिजनों के साथ महिला पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई। महिला प्रेग्नेंट बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पेट पर भी लात घूसों से हमला किया गया। घायल अवस्था में अब सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मेरा पति मैं सर्विस पे ले गया था बीएसएफ में, वहां से 3 तारीख को सुबह मुझे स्टेशन पे छोड़ के चला गया और वहाँ पे भी मारपीट की। ये टाके लगे, 3 टाके यहाँ लगे, ये यहाँ पे टाके लगे थे, पूरे खून से सने थे। फिर वहाँ पे ऑफिसर लोगों ने बचाया, फिर प्रेशर डाला, मैंने समझौता कर लिया बच्चे को देख के, मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम उनको गए थे भेजने वहाँ और उन्होंने कहा हमको रुपये दीजिए 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया जो तब अंदर घुसने देंगे तो हमको पैसे तो भाई हमारे पास है नहीं, लाए नहीं, तो बस उन्होंने एकदम गाली गलौज के मारपीट शुरू कर दी। कितने लोग घायल हैं आपके घर से? हमारे साथ 4 लोग हम गए, 4 लोग घायल।
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, केस दर्ज कर लिया गया है। नवविवाहिता और उसके परिजनों को पीटने का ये वीडियो सामने आया है। ससुराल वालों पर आरोप है कि दहेज के लिए पैसों की मांग की गई और जब मांग पूरी नहीं हुई तो मारपीट की गई। ससुराल पक्ष और मां के पक्ष के लोगों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और वादिया पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब एक बड़ी खबर आपको मऊ से दे दें, जहां मुख्तार के शूटर अनुज कनौजिया के घर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जमानत के बाद फरार चल रहा है अनुज कनौजिया। थाना चिरैया कोर्ट में मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कनौजिया के घर पर ये प्रशासन का बुलडोजर। अनुज कनौजिया मुख्तार अंसारी के खास शार्प शूटर्स में से एक माना जाता है। वो जमानत पर है और अभी फरार चल रहा है। मोहलत दिया गया तभी तो आप हटाइए सामान, जानकारी थी ना आपको? शाम को नहीं, बहुत दिन से जानकारी आपको। ऐसा है, बहुत दिन का जानकारी दिया गया था, कल शाम को अंतिम रूप से अल्टीमेटम दिया गया आपको। बढ़ेंगे आगे। झांसी के रक्सा बैदोरा के पास पहुंच नदी में रपटे पर जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं। आपको बता दें कि झांसी में पिछले दो दिन से बारिश लगातार हो रही है और किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये रास्ता पार कर रहे हैं। ऐसे में कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? अब सवाल ये है कि लोगों के पास कुछ और विकल्प भी नहीं है, नदी उफान पर है। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। कोई व्यवस्था यहां प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक नहीं की गई है, ये लोगों का आरोप है। इसी वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर ये रास्ता पार करना पड़ रहा है। दो दिन से लगातार झांसी में बारिश हो रही है, जिस वजह से अब रास्ते पर पानी आ गया है, नदियां उफान पर हैं और लोग मजबूर हैं इस रास्ते को पार करने के लिए। झांसी के रक्सा बैदोरा के पास ये पहुंच नदी है, जिसके रपटे पर जान जोखिम में डालकर किस तरह से लोग आवाजाही कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है और इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जब इतने तेज बहाव में लोग अपने वाहनों समेत बह जाते हैं और यहाँ लोग पैदल ही इस तेज बहाव में रास्ते को पार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था, कोई विकल्प यहाँ दूसरा नहीं है। ऐसे में उनकी भी मजबूरी है। और अब खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि नदियों के जलस्तर बढ़ने की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो गई है। हालांकि इसके बावजूद बाढ़ का पानी हर घंटे किसी नए इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। शनिवार से दोनों नदियों के बढ़ने की रफ्तार अब घटकर 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे रह गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम से दोनों नदियों का पानी घटने लगेगा। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहां गंगा और यमुना दोनों नदियां लगातार उफान पर हैं। रोजाना कई नए मोहल्लों को, कई नए गांवों को अपने आगोश में ले लेती हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक का बुरा हाल है। कई गांव तो ऐसे हैं जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। शहरी इलाकों में भी जो गंगा और यमुना के कछारी इलाके हैं, वहां पर रिहायशी बस्तियों में पानी घुसने लगा है। तमाम मकानों में, तमाम दुकानों में पानी घुस गया है और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो संगम और आसपास के इलाकों में पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री ब्रिज पर। वाराणसी से प्रयागराज जाने वाला ये रास्ता है। गंगा नदी के ठीक ऊपर बने इस पुल पर हम खड़े हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि ठीक बाईं तरफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर आप देख सकते हैं कि संगम होता था और ये यहाँ तमाम जगहों पर पक्के रास्ते होते थे, लेकिन ये सारे के सारे रास्ते बाढ़ के पानी में समा गए हैं। सड़कों का कहीं नामो निशान नहीं बचा हुआ है। इन रास्तों पर कुछ दिनों पहले तक वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज इन रास्तों पर, इन सड़कों पर नावें चल रही हैं। तो रोजाना तमाम नई सड़कें बाढ़ के पानी के चपेट में आ जाती हैं और संगम के ठीक नज़दीक जो बांध है, बांध के नीचे की ये
आखिरी सड़क बची थी, आज सुबह ये भी बाढ़ के पानी में समा गई है। अब उस तरफ से इस तरफ आने के लिए लोगों को घूम कर आना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि बीच में काफ़ी पानी भर गया है, यानी कमर तक यहाँ पर पानी है। और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, वो सड़कों पर सिर्फ आचमन करके वापस चले जा रहे हैं। संगम काफ़ी दूर है और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वो भी दो दिन पहले बाढ़ के पानी में समा गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बाढ़ की वजह से लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो श्रद्धा है, वो भी प्रभावित हो रही है और प्रयागराज के लोगों की मुसीबतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है, तमाम वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के दावे किए हैं, लेकिन ये सारे के सारे दावे जो हैं वो हवा हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज के लोगों को हर साल इसी तरीके से बाढ़ की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हर साल की ये समस्या है, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए कोई भी स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद बात वाराणसी की करें तो वाराणसी में गंगा का उफान लगातार जारी है। बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से घाट की सीढ़ियां जलमग्न हैं। आलम यह है कि अब गलियों में शवदाह हो रहा है और जगह कम पड़ने के चलते शवों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म बनवाना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ देख रहे हैं गली में कैसे जल रहा है, बच्चे भी हैं, जल जाएंगे, इधर मकान है, कैसे होगा बताइए। परेशानी तो आ ही गया है, इसका हल भी तो काफ़ी साल से बढ़ रहा है पानी। प्लेटफॉर्म काफ़ी साल से बोल ले बनवाने खातिर, बन नहीं रहा है, डूब गया गंगा जी। और इस बीच एक अहम जानकारी बिजनौर से मिल रही है, जहां बारिश से मैदानी इलाकों की मुसीबत बढ़ गई है। गंगा खातर इलाके के दर्जनों गांवों में पानी भर गया है, खेत खलियान में गंगा का पानी घुस गया है। मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश से अब गांव में हाल बुरा है, यहां खेती पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है। बारिश से मैदानी इलाकों की मुसीबत बढ़ी है, गंगा खातर इलाके में दर्जनों गांवों में पानी भर गया है, खेत खलियान में गंगा का पानी घुस गया है। तस्वीरों में आप समझ सकते हैं किसानों के लिए ये गंगा का पानी कितनी मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं मुख्यालय से भी कई गांवों का संपर्क टूट गया है, सड़कें जलमग्न हो गई है और गाँव के लोगों के लिए ये मुसीबत बढ़ाता पानी। चंदौली में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि लगातार जारी है। धीरे धीरे नदी के किनारे तटीय इलाकों में इसका असर भी दिखने लगा है। सकलडीहा तहसील के दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। गंगा नदी के तटीय इलाके के गांव, खासकर सहजोर, छैमिया, रौना, कुरहना गाँव में स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। किसान परेशान है और वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। सौ सवा सौ एकड़ ज़मीन में करेला, भिंडी, नेनुआ और जितना परवर बोया था सब जो है कि पाँच दिना में एकदम लहूलुहान हो गया पानी में। और ऐसी ही लगभग तस्वीरें और भी जगहों से आ रही है। महोबा में बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर जाने से एक मां बेटी मलबे में दब गए। परिजनों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां तकरीबन आधे घंटे तक मशक्कत करने के बाद मां बेटी को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 7 साल के मासूम की मौत हो चुकी थी, जबकि माँ को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारी रात बारिश के कारण मतलब वो घर गिर गया, माँ और बेटी दोनों खाना बना रहे थे, तो अस्पताल दोनों को लाए। अस्पताल में डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और माँ का इलाज चल रहा है। एक लड़की जो विजयनगर की है, वो मायके आई थी रक्षाबंधन में, आज उसको शायद जाना था, और उनके पिता का खेत है विजयनगर से थोड़ा निकलते ही दमोरा तरफ को जाने में खेत में कच्चा घर बना है, वहाँ पर वो खाना बना रही थी और उसकी छोटी बच्ची 7 साल की उसी घर में थी। अचानक सवेरे आज वो मकान की दीवार गिर गई, उसमें दोनों दब गई थी। बारिश अलग अलग शक्लों में कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। एक बड़ी खबर मिल रही है नोएडा से, जहां नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत
खत्म हो चुकी है। अब त्यागी समाज का प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम है, जहां त्यागी समाज ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। श्रीकांत त्यागी को तुरंत रिहा करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर, त्यागी समाज ने आज महापंचायत बुलाई थी और अब ये महापंचायत खत्म हो चुकी है, जिसमें त्यागी समाज ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें डीएम को ज्ञापन सौंपा गया और कहा है कि तुरंत श्रीकांत त्यागी को रिहा किया जाए, ये मांग अपनी रखी है। सनुज हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सनुज, सबसे पहले ये जो महापंचायत हुई, इसका मकसद क्या था? पहले कहा जा रहा था कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी और बच्चों को हरास किया गया, हम उनके समर्थन में हैं, क्या इसका मकसद श्रीकांत त्यागी की रिहाई कराना है? देखिए, ये जो आज त्यागी समाज की बड़ी महापंचायत थी, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली हरियाणा राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की, सब जगह से त्यागी समाज के मुअज्जिज लोग पहुंचे थे। देखिए, ये जो महापंचायत थी, महेश शर्मा के खिलाफ जो त्यागी समाज में आक्रोश है, वहाँ से शुरू हुई, उनकी घेराबंदी से शुरू हुई और उसके बाद पुलिस और प्रशासन पर नाराजगी जताने तक ये खत्म हो गई है। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है, कई लोगों को घेरने की रणनीति भी बनी है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि निशाना 2024 भी है त्यागी समाज की। अगर मुद्दे वही इनके पुराने हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो त्यागी समाज की जो एकजुटता है और उस एकजुटता के बाद जो त्यागी समाज की ताकत दिखी है, ये कहीं ना कहीं 2024 में बहुत सारी चीजें तय करेंगी। अब यहां पर इन लोगों की जो 5 मुख्य मांगे हैं, इनका कहना है कि जो श्रीकांत त्यागी पर जो इस बात को तमाम यहाँ के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि महिला से जिस भाषा का श्रीकांत त्यागी ने इस्तेमाल किया, उसको समाज में जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन श्रीकांत त्यागी पर जो और मुकदमे और जो धाराएं लगाई गई हैं, उनको ये लोग बिल्कुल गलत बता रहे हैं और उसी को लेकर आक्रोश है। दूसरा ये है कि जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, उनके खिलाफ जो पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, जो ज्यादतियां की हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। नोएडा सांसद महेश शर्मा है, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और सीधा कह दिया, यदि 15 दिन में उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तो फिर आंदोलन और बड़ा होगा। और इस पूरी महापंचायत को जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो पूरा देख रहे थे, देवेंद्र चौधरी जी हैं, यहां देखिए तमाम मुअज्जिज लोग हैं। महापंचायत भले ही खत्म हो गई है, लेकिन त्यागी समाज के लोग यहां बैठकर आगे की रणनीति बना रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि यदि 15 दिन में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन और बड़ा हो सकता है। देवेंद्र त्यागी जी, उनसे बात कर लेता हूं। देवेंद्र जी, एक मिनट आ जाइए, आपसे जानना चाहूंगा, अपनी मुख्य मांगे बता दीजिए बस। यहां देखिए, आज जैसा जिस हिसाब से हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, हमारे लोगों ने मंच में भी कहा है और मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर महेश शर्मा ने पर्सनली लेके बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन हमारे समाज को जागृति करने का काम किया है, ये श्रेय भी महेश शर्मा को जाता है। महेश शर्मा ने गलती की है, लेकिन महेश शर्मा की गलती से हम जागे, ये हमारे लिए सौभाग्य है। हम फिर भी तुम्हें बता देना चाहते हैं कि उस गलती के लिए महेश शर्मा को क्या पार्टी को भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर उन्होंने समझौता नहीं किया। शायद डॉक्टर महेश शर्मा की ये गलतफहमी रही होगी कि यहाँ त्यागी वर्ग का वोट कम है, लेकिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार तक, राजस्थान तक, गुजरात तक यहाँ समाज के लोग आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी अगर हमारा समर्थन नहीं करेगी, हमारे साथ न्याय नहीं करेगी, तो हम कोई बड़ा निर्णय लेने का काम करेंगे। क्या क्या मांगे हैं? मांगे हमारी मांगे हम आपको पूरे मंच के बता चुके हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे पूरे त्यागी समाज को कलंकित करने का काम किया है, हमारी माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और श्रीकांत के लिए भी इंटेंशनली उस औरत का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। मैं इस हमारा पूरा त्यागी समाज इस घटना की भी जांच की मांग करता है, क्योंकि वो महिला जो आई है वो भी एक षड्यंत्र के तहत आई है और हम परशुराम वंशज हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं, इसीलिए आज त्यागी समाज में रोष था। हम शांति में काम करना चाहते हैं। पहली बार हमने ये सरकार को चेताया है कि हमारी समस्या को डीप ले लो, वरना परिणाम बहुत घातक हो जाएगा। ठीक है सनुज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपनी बात यहाँ रख दी है त्यागी समाज से जुड़े हुए लोगों ने। अब सवाल यही है कि क्या इस मामले में पूरी तरह से राजनीति की एंट्री हो चुकी है, राजनीतिक चश्मे से इसे देखा जा रहा है और इसके अंजाम किस तरीके से आगे निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।